लोक कल्याण के लिए उपाय बताने वाले पंडित जी को माइक व्यवस्था दुरुस्त करवाने के लिए भी टोटके का सहारा लेना पड़ा। साउंड ठीक नहीं है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। बाकी उपाय कितने कारगर होते हैं ये तो श्रद्धालु जाने या फिर भोले भंडारी, लेकिन माइक के लिए पंडित जी ने जो उपाय किया वो 100% कारगर साबित हुआ। पंडित जी के द्वारा किए गए उपाय के बाद न सिर्फ माइक व्यवस्था ठीक हो गई बल्कि आयोजकों के मुगालते भी एक ही झटके में हवा हो गए। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बात पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों की। बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के रतलाम में शिव कथा चल रही है। पंडित जी की कथा सुनने के लिए दूर दूर से श्रोताओं का जमावड़ा लगा है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कथा अमृत पान करने और पंडित जी की एक झलक पाने के लिए इस भीषण गर्मी के बावजूद जुटे हैं। रतलाम में जारी ये आयोजन अपने आप में एक बड़ा कथा कार्यक्रम है। इतने विशाल आयोजन और पूर्व में प्राप्त निर्देशों के बावजूद आयोजकों की लापरवाही सामने आई। कथा कल साउंड ठीक रहेगा तो वापिस 1 बजे से 4 बजे तक होगी। माइक व्यवस्था इतनी खराब रही कि न सिर्फ कथा श्रवण करने आए श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही थी बल्कि स्वयं पंडित जी का गला भी दर्द करने लगा। साउंड ठीक नहीं है, गला बहुत तकलीफ दे रहा है। कथा की शुरुआत में ही पंडित जी ने माइक की शिकायत आयोजकों से की। यहाँ तक कि वर्तमान कथा आयोजक के साथ ही भविष्य में जहाँ जहाँ कथा आयोजन होना है उन सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को स्पष्ट किया कि माइक व्यवस्था को लेकर गंभीर रहें। कथा सुनने आने वाले श्रोताओं तक उनकी आवाज साफ साफ पहुंचे। लेकिन विडंबना पंडित जी के निर्देश और आपत्ति के बाद भी जब माइक ठीक नहीं हुआ तो पंडित जी ने व्यास गादी छोड़ दी। कथा कल साउंड ठीक रहेगा तो वापिस 1 बजे से 4 बजे तक होगी। पंडित जी के अचानक इस तरह से कथा छोड़ने से सभी भक्त निराश हो गए। पंडित जी ने साफ साफ यह भी कह दिया कि जब तक माइक ठीक नहीं होगा तब तक वो कथा नहीं बाचेंगे। देर से ही सही लेकिन पंडित जी के क्रोध का उपाय काम आ ही गया। मंगलवार को कथा शुरू होने से पहले माइक एकदम ठीक हो गया। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। पूरे घटनाक्रम के बाद आयोजक भी कथा कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर हो चुके होंगे और अब आशा है कि भविष्य में पंडित जी को अपने क्रोध टोटके का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।